अध्याय 14। इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और ऐसी बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु ना मानने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाए और बिगाड़ दिए, और वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वो उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी, इससे कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। परंतु जब अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान करने और उन्हें पत्थरवाह करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो वे इस बात को जान गए और लुकाउनिया के लुस्त्रा और दिर्बे नगरों में और आसपास के देशों में भाग गए और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वो जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। उसने ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। और उन्होंने बरनबास को जूस और पौलुस को हिर्मेस कहा, क्योंकि ये बातें करने में मुख्य था। और जूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया है। उसने बीते समय में सब जातियों को अपने मार्गों पर चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वो भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। ये कहकर भी उन्होंने लोगों को कठिनता से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। परंतु कितने यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पत्थरवाह किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट कर ले गए। पर जब चेले उसकी चारों ओर आ खड़े हुए तो वो उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिर्बे को चला गया, और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। वे पिसिदिया से होते हुए पंफूलिया में पहुंचे और पिर्गा में वचन सुनाकर अतालिया में, और वहां से जहाज पर अंताकिया में आए, जहां वे उस काम के लिए परमेश्वर के अनुग्रह को सौंपे गए थे जो उन्होंने अब पूरा कर दिया था। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। वहां वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे।